मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू, जद आवे मौत मैनू, सोना करीब होवे। मंगो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो दे नाल हाज़र हां। और ये बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी कामयाब और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, यानी कि ये छाती के सिलसिले में खांसी वास्ते, नज़ले ज़ुकाम वास्ते बड़ी अच्छी और बड़ी आला किस्म की ये वीडियो है। और उम्मीद है कि ये तुहानू पसंद भी आएगी। और इस तो अलावा इनू जनाब तुसी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। और उस वीडियो के नीचे एक बैल का निशान है और उस बैल के निशान भी दबाना है। ये जनाब जो नुस्खा तुहाडे सामने पेश किया जाता है, ये चीज़ा ने तीन जड़िया कि तुम देख रहे हो कि आइटम हैगी है मस्तगी रूमी, तुम देख रहे हो यह भी एक बड़ी अच्छी बड़ी आला चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इनका दूसरा नुस्खा जोड़ा वो तुम दिखाना, तनकार है, ये तनकार है। और इसका जोड़ा इस्तेमाल है वो इस तरह नहीं है, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर जोड़ा है वो इनू बसम करके तो वह इस्तेमाल किया जाता है। इसका पहले बसम बनाया जाएगा, वो तुम दिखावे कि इनका बसम किस तरीके बनाना है। तीसरी आइटम जी है वे असलल सॉस, लकड़ी है असलल सॉस, यह भी बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त बड़ी आला चीज़ है। और वैसे किसी तारफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन हर इलाके के अलग अलग नाम होता है। तो यह तीन आइटम का फार्मूला है और ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है। इसनों असी बिल्कुल बारीक पाउडर बना के इनका सफूफ बनाना है और सफूफ बना के उसनों कपड़ छान करना है। ठीक है, जो तुम दिखाया कि असलुल सॉस इनका असी सफूफ बनाना है, पाउडर बनाना है, पाउडर बना के उसनू कपड़ छान करना है। इस तो अगे जरा तनकार है, इसनों असी अग दे उत्ते इंदा पहले बसम बनावांगे, उंदा बसम जरा है उसनू बारीक पाउडर बना के ते कपड़े विच कपड़ छान करांगे। कपड़ छान करन तो बाद फिर मस्ती रूमी है, ये सारे इन्हें फार्मूले तो अलग है, इनू कले पीसना होता है, कले पीस के पाउडर बनाना है। और इसका छानन की जरूरत नहीं है कि इनू छान लीती जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जे नहीं तो इसनों अच्छी तरह रगड़ाई करके इसका बारीक पाउडर बनाना है। ये तो अगर नाल इसके बनावन का भी तरीका दसने कि इन्हों इसका पाउडर जाहिर है इनू कुटन का भी, इनू चट्टू बट्टे के कुट के इनका पाउडर बनाना है, वो तुम दिखाने दोबारा। अच्छा तुम देखा कि असी नू असल सॉस जोड़ा उसका पाउडर बना लिया और तुम देख रहे हो उसका पाउडर देखो, इसका पाउडर बन गया असल सॉस का।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ 'ਚੋਂ ਛਾਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਛਾਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਨਕਾਰ ਸੀ ਤਨਕਾਰ ਫੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਨਕਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਨਕਾਰ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਤਨਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਫੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦਾ ਬਸਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕਾਰ ਦਾ ਬਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬਸਮ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਫੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈਗੀ, ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਫੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬੜੀ ਆਲਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜੇ ਛਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਛਾਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਨਜ਼ਰੇ ਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਮੁਫੀਦ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਰਕਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਜਨਾਬ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
और एक दूसरे पेड़ के जिहड़े नुकसान देने वाले जरासीम जिहड़े पैदा होंदे ने उस नूं ये खत्म करता है और ये बलगम नूं खारिज करता है और इस नूं जिहड़े कि हाजमे दीआं फक्कियां जिहड़ियां बनाईआं जांदियां उस दे विच वी बहुत ज़्यादा शामिल किया जाता है और यह जिहड़ा सुहागा है ये सुनारे जिहड़े ने जिहड़े कि सोना और चांदी का काम करते हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि सोना चांदी के जेवरात को तैयार करने वास्ते भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो और इस तो अलावा कि अगर कोई भी जख्म पुराने तो पुराना जख्म हो जख्म के उत्ते इस कच्चे नूं भी इस्तेमाल किया जाता है इस फुला करके भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि गंदे तो गंदा जख्म हो तो उस देते इनू छिड़क के उस तो बन दिता जाए इसका काम है कि गंदा जख्म जड़ा होगा उन्हू कट के ते साफ कर देगा यानी कि इस खाने वास्ते भी और लगाने वास्ते भी यानी कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका दूसरा नाम है सुहागा बरियां। बरियां का मतलब यह होता है कि इसनों फुला किया जाता है इनू बसम भी कहा जाता है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल जरा है वो शहद के विच ही है और इसनों अगर मूँह के विच कोई जख्म हो जाते हैं इसका जरा फुला किया हो पाउडर होंदा है अगर इसनों मूँह के विच छिड़किया जाए वो मूँह के जख्मों वास्ते बहुत ही मुफीद है और बहुत ही अच्छा बड़ा आला है और इसनों जरा कि दंदा वास्ते मंजन वगैरह बनाया जाए उस मंजन के विच भी इनका इस्तेमाल बहुत वधिया है तो वो बड़ा ज़बरदस्त है और इसका अगर इसनों कच्चे नूं अगर पीस के तो अगर अक् दे दुध दे विच एक मिक्स करके छोटी जी मरहम बना के इसनों बवासीर दे मसियां ते लगाया जाए तो उस दे वास्ते भी बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त बड़ी आला चीज़ बड़ी ज़बरदस्त फायदे वाली चीज़ है। दोस्तों देखो तुसीं हालांकि ये एक चीज़ है और इसका बड़ा ज़बरदस्त बड़ा अच्छा बड़ा वधिया बड़ा आला रिजल्ट तुसीं देखिया और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होंदा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी इसनू लाइक करो शेयर करो और इसनू सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भुलियो और वीडियो के नीचे जाके बैल का निशान है उसने भी दबा दीजिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो नाल फिर मिलेंगे। इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वरक। हाँ जी ये जरा देखो तैयार हो गया सी ना बसम यानी कि फुला हो गया हूँ इसनों इसका पाउडर बना दें इसका अच्छी तरह पाउडर बना लिया इसनों असी जनाब घुट के पाउडर बना लिया सी लिहाजा दोबारा इसनों फिर चूल्हे से जरा ना वो दोबारा रखेंगे ताकि इसके अंदर कोई जर्रा कच्चा रह गया हो ना तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कच्चे जर्रे की शिकायत होएगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलो असी दोबारा चूल्हा चला दिता और इसका कुछ देर वेट करने महसूस हो रहा कि जिस तरह कुछ कच्चे जरे रह गए ने देखो बहुत बेहतर हो गया पहले नालों देखो दोबारा देन दे नाल ना अग
काफ़ी बेहतर हो रहा है, ताकि इसके अंदर कोई ज़रा कच्चा रह जाए तो वो मतलब बेहतर नहीं है अंदर ना, जब अच्छी तरह पक जाएगा। देखो अजय फुल रहा है, फुल के कितना ज़्यादा हो गया, ताकि इस दिन अंदर अगर कच्चा माता को रह गया होगा तो वो अच्छी तरह बन जाएगा। असि उन्हों काफ़ी देर हो गई है, दोबारा आके देंदे नू बहुत बेहतर हो गया। क्योंकि इस चीज़ का बनाना जरा ना इनका एहतियात बहुत जरूरी है, कोई भी चीज़ बनाई जाए कि उसकी पकाई अच्छी तरह हो जाए तो उसका जरा ना रिजल्ट अच्छा हो जाता है। हम कई दोस्त कहते जी वीडियो लंबी हो जाती है, देखो जी लंबी किस तरह ना हो, अगर उन्होंने तफसील तो समझावे तो वह लंबी होएगी, अजे तो इन बहुत ज़्यादा शार्टकट कर दे दी। देखो थोड़ी जिनी दवाई इन अंदर रखी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा बन गई, जिस तरह के कम अज़ कम तीन गुना और ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब इन पीस के पाउडर बनावे ये बिल्कुल फिर और नहीं अपनी शक्ल से अपने वजन पर आ जाएगी। और फुल गई पहले ना, यानी कि जरा जिस तरह के पहले फुला हो जाता ना सुहागा तो फुलता इन दोबारा रखे दोबारा फिर फुलिया, मतलब कि इन अंदर कसर है गई थी, क्योंकि वैसे आम जरा को फुला किया जाता ना आम उन्होंने एक दफा ही किया जाता है, लेकिन असी इनू यानी कि इन जी समझ लो कि दो आतशाह हो गया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनका रिजल्ट जरा ना वो अच्छा होएगा। देखो काफ़ी ज़्यादा फुला हो गया है, बहुत बेहतर हो रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है इंशाल्लाह, क्योंकि देखो जिस तरह की कढ़ाई भर गई है, हालांकि इन्नी ज़्यादा तो है ही नहीं सी, इनका मतलब है कि इनू दोबारा जरा ना यह फुला करना बहुत बेहतर रह गया, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा अगर बनाई है ना तो दोबारा फुला नहीं इनू किया कभी भी, एक दफ़ा ही बनाई था, लेकिन वो एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त है रणजीत सिंह, तो वो असी एक दूसरे नाल मशवरा कर लीदा हुंदा, तो उन्होंने इस चीज़ का कहिंदा उन्होंने दोबारा जरा ना करना वो होर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हुण दोबारा मैं प्रैक्टिकल कर रहा, वाकई बहुत ज़बरदस्त लगे, ताकि इस अंदर इनकी पकाई अच्छी तरह हो जाएगी तो ये काम भी ज़्यादा करेगा, यानी कि इन दाल जड़ा ना वो फेफड़े अच्छी तरह वाश हो गए, जरा फिर साढ़ा ये तिना चीज़ों का मरकब है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा फायदा करेगा। हुण ये काफ़ी बेहतर हो रहा है, काफ़ी करीब हो रहा है, यानी कि बस हुण थोड़ी देर होर आग दे के फिर इस दोबारा पाउडर बनाने बरीक, लगता है कि काफ़ी माशाल्लाह तैयार हो गई है, बहुत सोहनी बन गई है, तो बस इन हम असी चूल्हा बंद करने की कोशिश करने हैं, बल्कि बंद कर दें हम क्योंकि बहुत बेहतर हो रही है। अगर इन इस तो होर बेहतर बनाना हो, अगर इनू छे अतशाह भी कर लोगे ना, से अच्छा का मतलब है कि तीसरी अग होर भी दे दो तो फिर भी बेहतर है, तो अगर नहीं भी दो तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हो गया है। हम असी चूल्हा जरा और बंद करने इसका पाउडर बना, हम असी कपड़ छान करने की तैयारी कर रहे हैं। कपड़े से छानना शुरू कर दिया,
देख रहे हो तुम कपरछान हो रहा देखा कि कपरछान करके ये दवाई जी होंगी है उसका निदान वधिया हो जाता है। बहुत वधिया हो रही है। देखो बहुत आली शान जी चीज़ है, बहुत वधिया चीज़ बन गई है। कपड़छान कर लिया और देखो तुम तो माशाल्लाह सी देखो कपड़छान किया बहुत सोहना बड़ी अच्छी चीज़ बन गई। हम इनके सामने जी असल सॉस नू जो कपड़छान करने असल सॉस जी कपड़छान हो रही है। हाँ देखो कपड़ छान होके जी चीज़ निकलती है बड़ी अच्छी और बड़ी आला चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बनती है। यानी कि जड़ी बूटी का निचोड़ निकल जाता है। तो यह तेरे सामने असी इन हूँ करके फिर सारा फार्मूला दिखाने हैं।